तो जेईई मेन 2020 का 8 जनवरी का शिफ्ट 1 का मेमोरी बेस अपन क्वेश्चन एक सोल्व करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन पहला है कि नंबर ऑफ एसओ बॉन्ड्स इन S2O8-2 एंड नंबर ऑफ एसएस बॉन्ड इन रोम्बिक सल्फर आर रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, टॉपिक कौन सा है ये, इसको हम केमिकल बॉन्डिंग का भी टॉपिक मान सकते हैं। ठीक है ना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली का भी क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ। और चूँकि स्ट्रक्चर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऑक्सी एसिड्स के, तो ये उसी पे पहला क्वेश्चन ये है कि S2O8-2 इसका जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर एक परऑक्सी लिंकेज होगा OOS डबल बॉन्ड O O-। ठीक है, अगर मैं हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दूँ तो इसको बोलते हैं 1-PO-DiSA और इसका कॉमन नाम जो है वो होता है मार्शल एसिड। ठीक है, तो दिस आयन इज डिराइव फ्रॉम मार्शल एसिड। ठीक, तो मार्शल एसिड में पूछ रहा है कि हाउ मेनी एसओ बॉन्ड्स आर देयर। ठीक है, तो एसओ बॉन्ड्स अगर मैं देखूं तो काउंट करना चालू करें हम, तो एक एसओ बॉन्ड ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो हाउ मेनी एसओ बॉन्ड्स आर देयर, नंबर ऑफ एसओ बॉन्ड्स आर 8। ठीक, अगली चीज़ जो इसने पूछी है वो है कि रोम्बिक सल्फर में एसएस बॉन्ड की तरह है। ठीक है, हाउ मेनी एसएस बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन रोम्बिक सल्फर। ठीक है, तो रोम्बिक सल्फर जो होता है इसका फार्मूला होता है एसेट, इस फॉर्म में पाया जाता है ये। और एसेट का स्ट्रक्चर जो है वो क्राउन शेप्ड होता है इस तरीके से। ठीक है ना, द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। ठीक है, तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ रोम्बिक सल्फर। अब हमसे पूछा है हाउ मेनी एस एस बॉन्ड्स आर देयर, काउंट करना चालू करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां। सो हाउ मेनी एस एस बॉन्ड्स आर देयर, द नंबर ऑफ एस एस बॉन्ड्स आर 8। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें कि हाउ मेनी एस एस बॉन्ड्स आर देयर 8। सो आंसर इज 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द मेटल। मेटल कौन सा बोल रहा है ये, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। ठीक है, इनका आई का ऑर्डर पूछ रहा है। टॉपिक कौन सा है ये, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी का एक नॉर्मल पॉइंट ये होता है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, अब उस हिसाब से मैं देखूँ इनकी पीरियोडिक टेबल में पोजिशन, तो इनकी पोजिशन क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। ठीक है, तो ऑर्डर कौन सा होना चाहिए कि इधर की तरफ बढ़ता हुआ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है। वो एक्सेप्शन किस में आता है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में। तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से बड़ा होता है। ठीक है, सॉरी, मैग्नीशियम सोडियम से बड़ा होता है, एल्यूमिनियम जो है उससे ज़्यादा मैग्नीशियम होता है। कारण ये है कि इसमें फुल फिल्ड NH2 स्ट्रक्चर होता है, इसमें NH2 NP1 स्ट्रक्चर होगा। तो अगर मैं आई के हिसाब से देखूँ तो इस एक्सेप्शन की वजह से यहाँ, और एल्यूमिनियम सिलिकॉन में कंपेयर करें तो ज़्यादा कौन सा है, सिलिकॉन। ठीक है, तो इन चारों चीज़ों को कंबाइन करके मैं देखूँ तो सोडियम लिस्ट, उसके बाद यहाँ आएगा एल्यूमिनियम, उसके बाद आएगा मैग्नीशियम 3rd नंबर पे और उसके बाद आएगा सिलिकॉन 4th नंबर पे। तो एक्सेप्शन था इन दोनों में कि रिवर्स हो जाते हैं इनकी पोजिशन के हिसाब से। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अगर मैं देखूँ तो इस हिसाब से इस ऑर्डर में अगर हम जमाएँ तो सोडियम के लिए लीस्ट, उसके बाद सिलिकॉन के लिए हाईएस्ट, मैग्नीशियम के लिए जो है, अगर मैग्नीशियम के लिए देखूं तो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में मैग्नीशियम मोर देन एल्यूमिनियम, मीन्स 737 इसके लिए, उसके बाद एल्यूमिनियम के लिए 577। तो ये आ गया लीस्ट 4th नंबर, ये 1st नंबर, ये आ गया 2nd नंबर, ये आ गया 3rd नंबर। सो करेक्ट ऑर्डर इज दिस, ये यहाँ पे 4th नंबर, ये 3rd नंबर। ठीक है, वैल्यू वाइज, ठीक है, ये 2nd नंबर एंड दिस इज 1st नंबर। ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है अकॉर्डिंग टू हार्डी शुल्ज रूल द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्लोक्यूलेशन वैल्यू फॉर FeOH3 सॉल्यूशन इज। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है, सरफेस केमिस्ट्री से। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री में जो है एक चीज आती है कोएगुलेशन या फ्लोक्यूलेशन। ठीक है, कोएगुलेशन या इसी का दूसरा नाम है फ्लोक्यूलेशन। तो एक्चुअली फ्लोक्यूलेशन और वहाँ पे हार्डी शुल्ज रूल जो है उसका एक स्टेटमेंट है हार्डी शुल्ज जो रूल है इसके अकॉर्डिंग क्या है कि आयन हैविंग मोर चार्ज हैज मोर कोएगुलेटिंग पावर। कोएगुलेटिंग मतलब होता है कि इकट्ठा करवा सके, जो प्रेसिपिटेट बनवा सके, ठीक है। तो इसका सिंपल स्टेटमेंट था कि आयन जिस पे ज़्यादा चार्ज है उसकी कोएगुलेटिंग पावर ज़्यादा होती है, ठीक है। और कोएगुलेशन वैल्यू अगर मैं देखूं या फ्लोकुलेशन वैल्यू जिसको बोल सकते हैं, तो फ्लोकुलेशन वैल्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कोएगुलेटिंग पावर, ठीक है। यानी कि जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो कम मात्रा में चाहिए होगा, ठीक है। तो ये कोएगुलेशन वैल्यू होती है कि कितना मिलीमोल उसको ऐड करना पड़ रहा है गिवन वॉल्यूम में, ठीक है। सो दैट कोएगुलेशन स्टार्ट्स। कोएगुलेशन का मतलब होता है प्रेसिपिटेट करना, ठीक है। तो हमने एक स्टेटमेंट ये देखा कि आयन हैविंग मोर चार्ज हैज मोर कोएगुलेटिंग पावर, ठीक है। और जिसकी कोएगुलेटिंग पावर ज़्यादा होगी उसकी कोएगुलेशन वैल्यू कम होगी। हमें आंसर में ये क्या पूछ रहा है, फ्लोकुलेशन वैल्यू के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। आंसर जो है किसके बारे में पूछ रहा है, ये फ्लोकुलेशन के बारे में, ठीक है। तो अब जो है मैं इसको जो है यहाँ पे एक चीज़ करता हूँ कि फ्लोकुलेशन वैल्यू में किसका फ्लोकुलेशन बोल रहा है, Fe(OH)3 का, ठीक है। अब हाइड्रोक्साइड जो होते हैं नॉर्मली इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट जो है यहाँ पे अगर हमें कहें कि ये प्रेसिपिटेट जो सॉल्यूशन बनाता है कोलाइडल सॉल्यूशन, वो इसलिए बनाता है कि Fe+3 आयन इसके ऊपर चिपका होता है, यानी कि ये पॉजिटिव कोलाइड में आता है। अगर पॉजिटिव कोलाइड को हमें प्रेसिपिटेट करवाना है तो इसको न्यूट्रल करने के लिए हमें इसमें नेगेटिव आयन ऐड करना पड़ेगा। कौन सा आयन ऐड करना पड़ेगा, नेगेटिव आयन। क्यों, क्योंकि जो Fe(OH)3 पॉजिटिव कोलाइड है न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव आयन ऐड करना पड़ेगा। अब न्यूट्रलाइज क्यों कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज इसलिए कर रहे हैं कि जैसे ये पार्टिकल न्यूट्रलाइज होंगे, पॉजिटिव पार्टिकल नेगेटिव पार्टिकल से न्यूट्रलाइज होंगे, ये इकट्ठा होना चालू कर देंगे और इकट्ठा होना चालू करेंगे यानी प्रेसिपिटेट बनाने लग जाएंगे। और इसी प्रेसिपिटेशन को हम क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन, ठीक है। तो मुझे देखना है कि नेगेटिव आयन जिस पे ज़्यादा चार्ज होगा उसकी कोएगुलेटिंग पावर ज़्यादा होगी। अब हमें जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो ऑप्शन में दिया हुआ है K3Fe(CN)6, तो मुझे सिर्फ मतलब है एनायन से। Fe(CN)6 -4 एक एनायन हो गया, इसके बाद CrO4 -2 एक एनायन हो गया, इसके बाद NO3 - एक एनायन हो गया, Br - एनायन हो गया और Cl - एनायन हो गया। अगर चार्ज के हिसाब से मैं देखूं, अब चूंकि मुझे नेगेटिव आयन ऐड करना है इसको न्यूट्रलाइज करवाने के लिए, तो चार्ज के हिसाब से इनकी कोएगुलेटिंग पावर अकॉर्डिंग टू हार्डी शुल्ज रूल वो कोएगुलेटिंग पावर का ऑर्डर होगा ये वाला। और इन तीनों में चूंकि चार्ज बराबर है तो ये तीनों बराबर। अगर पावर का कोएगुलेटिंग पावर का मैंने ऑर्डर निकाल लिया है, ठीक है, तो इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लोकुलेशन वैल्यू, यानी कि जो ज़्यादा पावरफुल होगा उसकी मात्रा हमें कम मिलानी पड़ेगी, जो ज़्यादा पावरफुल होगा उसकी मात्रा में कम मिलानी पड़ेगी। तो अगर फ्लोकुलेशन ऑर्डर पूछ लिया जाए, फ्लोकुलेशन वैल्यू का ऑर्डर पूछ लिया जाए, तो वो ऑर्डर हो जाएगा उल्टा, Fe(CN)6 -4 लेस देन CrO4 -2 लेस देन NO3 माइनस इक्वल टू Br माइनस इक्वल टू Cl माइनस। तो इस हिसाब से आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड आंसर, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द चार्ज, ठीक, अकॉर्डिंग टू हार्डी शुल्ज रूल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट फेशियल मेरिडायोनल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब फेशियल मेरिडायोनल जिसको शॉर्ट में अपन FACMER और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोले, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये होता है एक्चुअली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। कौन से कॉम्प्लेक्स में होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। और किस तरह के कॉम्प्लेक्स में होता है ये, ये होता है MA3B3 टाइप के कॉम्प्लेक्स में। MA3B3 टाइप के कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि जैसे सपोज कीजिए मैं बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये A और इसके परपेंडिकुलर A है, ये B, ठीक है। तो इस तरीके से ये बन जाता है फेशियल, ठीक है। मेरी डायगोनल में क्या होगा, A की इसमें A उसके बाद B, ये B और ये B, ठीक है। यानी इसको आप ऐसे समझ लो A की ट्राइंगल में तीनों सेम लिगेंड होंगे तो ये कहलाएगा मेरिडायनल, और अगर दो लिगेंड एक साथ और उसके परपेंडिकुलर में तीसरा होगा तो कहलाएगा फेशियल, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि यहाँ पे दो तरह के लिगेंड हो और कितनी संख्या में हो, तीन संख्या में हो, ठीक। तो हमें सीधा चेक करना था इसमें कि जैसे यहाँ पे मैं इन चारों में देखूँ तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4, ठीक है। आगे मैं बढ़ जाऊँ तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और लास्ट ऑप्शन में कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना हो जाएगा 6, और ये किस टाइप का है, MA3B3 टाइप का, ठीक है। तो सही करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा होगा, फोर्थ आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिप्सम ऑन हीटिंग एट 393 केल्विन प्रोड्यूसेस, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जान लें कि जिप्सम जो है वो हम किसको बोलते हैं, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O डाईहाइड्रेट, दिस मिनरल इज कॉल्ड एज जिप्सम। और जिप्सम की क्या खासियत है कि यदि इसे गर्म करते हैं 393 केल्विन पर तो इसमें से 3/2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे और CaSO4 डॉट 1/2H2O जो बचेगा हेमीहाइड्रेट, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट में हम इसे क्या लिखते हैं, POP, ठीक। और POP की क्या खासियत होती है कि यदि इसको हम वाटर मिला के मिक्स करें तो तुरंत ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत इजीली सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। तो जिप्सम को गर्म करने पर इतने टेम्परेचर पे वी विल ऑब्टेन कि CaSO4 डॉट 1/2H2O, दिस इज कॉल्ड एज POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाई 10⁶ टाइम्स when a reaction is carried out in presence of enzyme catalyst at same temperature, determine change in activation energy, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में रेट कॉन्स्टेंट K = (A e⁻¹⁰ EA का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, K रेट कॉन्स्टेंट, A प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, T टेम्परेचर, R गैस कॉन्स्टेंट। अभी बोल रहा है कि अगर हम बिना कैटलिस्ट के करें तो K1 = (A e⁻¹⁰ EA1/RT विदाउट कैटलिस्ट या विदाउट एंजाइम, ठीक। ये बोल रहा है कि अगर हम एंजाइम डाल देते हैं तो एंजाइम का काम है रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देना, ठीक है। और ये क्या करता है, K बढ़ाएगा कैसे, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, ठीक है। तो मान लीजिए हम एंजाइम के प्रेजेंस में K2 लेते हैं A e⁻¹⁰ EA2/RT, टेम्परेचर चूंकि सेम दिया हुआ है इसलिए मैं इसको A की टेम्परेचर से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं K2/K1 का रेशियो लूँ तो K2/K1 = E, यहाँ आ जाएगा EA1 - EA2/RT, ठीक। ये बोल रहा है कि अगर हम एंजाइम के प्रेजेंस में करते हैं तो ये हो जाता है 10⁶, ठीक। तो ये चीज़ हो गई 10⁶, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसको जो है, यहाँ E को जो है मैं यहाँ से चेंज करूँ तो इस केस में E को हम हटा के दोनों तरफ लोग ले लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा log E 10⁶ इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा EA1 - EA2/RT। सॉल्व करने पर अच्छा E बेस को हटा दूं मैं तो इधर आ जाएगा आगे 2.303 और यहाँ से आ जाएगा log 10 10⁶, log 10 10⁶, 6 आगे आ जाएगा तो ये चीज़ बन जाएगी 6 × 2.303 और log 10 होता है 1। ये मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, ये मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो EA1 - EA2 इज इक्वल टू 6 × 2.303 × RT, ये वैल्यू आ गई। ये आ गया दोनों एक्टिवेशन एनर्जी का अंतर, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि हाउ मच द एक्टिवेशन एनर्जी विल चेंज, ठीक है। तो अगर फाइनल अगर मैं देखूं, ये तो मैंने निकाला है इनिशियल माइनस फाइनल, ये विदाउट कैटेलिस्ट ये विद कैटेलिस्ट। अगर मैं कहूं कि विद कैटेलिस्ट EA2 माइनस EA1 क्या होगा, तो मैं इस पूरे को माइनस कर दूं, -6 इंटू 2.303 इंटू RT, क्योंकि क्या होता है विद एंजाइम K बढ़ता है और एक्टिवेशन एनर्जी में कमी आती है, K बढ़ता है और एक्टिवेशन एनर्जी में कमी आती है। तो वैसी बात है कि पहले जो है दोनों का जो डिफरेंस होगा फाइनल माइनस इनिशियल, चूँकि कमी आ रही है इसलिए साइन क्या जरूरी है नेगेटिव। ये था इनिशियल माइनस फाइनल और ये था फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक।